और फ्रेंड हम पहुंच चुके हैं नासिक के पवन नगर में। और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये न्यू महाराजा लूनी स्पंज डोसा जो कि नासिक में पसंद किया जाता है। ये लूनी स्पंज डोसा जो आप डोसा खाते उससे ये बिल्कुल अलग होता है। ये क्या डाल रहे हो दादा? लूनी। लूनी अरे दिल खोल के लूनी पड़ता है इसमें? दिल में जो पड़ता है लेकिन नहीं पड़ता है। और कितने का होता है ये लूनी डोसा? 30 रुपये। 30 रुपया प्लेट। एक प्लेट में कितना आता है? 3 आएगा। अच्छा ये हो गया पलटी। अच्छा पीछे से साइड से भी लूनी डाल रहे हो यानी दोनों साइड से? क्या बात है यार बढ़िया मस्त। और लोगी का स्मेल भी आ रहा है बढ़िया सा। दिल खोल के खिलाते हो नासिक वालों को? 470 रुपये किलो वाला लोनी। कितना? 470। अच्छा 470 केजी वाला लोनी यानी ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का है। बढ़िया। आपका क्या नाम है सर? वैभव। तो आप ये यहाँ के ओनर है? आ जाओ थोड़ा परिचय तो दो आपका। सामने से नहीं। हाँ दादा कौन सी चटनी? और ये डोसा के साथ कौन कौन सा चटनी देते हो आप? खोपरे का चटनी आता है, टमाटर का और आलू का। आलू का तीन चटनी होता है क्या? चलो ये रेडी हो गया ना। खोपरे का और ये कौन सा डाले अभी आपने? टमाटर का। टमाटर चटनी। अच्छा ये आलू का। चलो एक और प्लेट लग रही है। ये लग गया डोसे का प्लेट। ये पड़ गया इसमें खोपरा चटनी और टमाटर चटनी। टमाटर चटनी भाई का सर्व करने का स्टाइल भी देखिए बढ़िया सी प्लेट उस पर वो पेपर बटर पेपर और बटर पेपर वगैरह और तीन टाइप का ये चटनी और ये सब आपको मिलेगा 3 पीस और 3 चटनी के और आलू चटनी के साथ में 30 रुपीज़। ओके आपका क्या नाम है दादा? वैभव भागवत। तो आप इसके ओनर हो? तो ये कितने समय से जो स्टार्ट किया आपने ओपन किया इस शॉप को? इसको 4-5 महीना हो गया। 4-5 महीना हो गया और कैसा रिस्पांस है? अच्छा बढ़िया। जैसे कस्टमर हम देख ही रहे हैं लगातार आपके यहाँ पे ये लूनी स्पंज डोसे के ऑर्डर करते जा रहे हैं, पार्सल भी दे रहे हैं और सभी जा रहा है। ओके इसको नासिक में काफ़ी पसंद भी आ रही है। अपना 2-3 शॉप। 2-3 शॉप है? अच्छा ब्रांचेस है और भी? ओके और ये काफ़ी आपका यानी फेमस भी है महाराजा के नाम से। और यहाँ का एड्रेस बता देना। पवन नगर स्टेडियम गणपति मंदिर। गणपति मंदिर। और ये आपके पीछे ग्राउंड है ना? स्टेडियम है पवन नगर। ओके ये नासिक के पवन नगर का स्टेडियम है। ओके चलिए थैंक यू जी।